प्रेशर में आकर इस तरह की गंदी सोच रखे, और हम जैसे पढ़े लिखे इंसान को अगर वो आतंकवादी कह रहा है, तो एक नॉर्मल इंसान को जो एक नॉर्मल मुस्लिम सोसाइटी के अंदर सर्वाइव कर रहा है, उसको उनके निगाह में क्या कहेंगे वो लोग? हम समझ सकते हैं कि वो लोगों के दिमाग में पॉलिटिशियन द्वारा, यानी कि सेक्टेरियन लोग जो उनके दिमाग में किस तरीके का इंफ्यूजन, एक गंदा इंजेक्शन उनको दिया जा रहा है, जिसके द्वारा वो लोग हमें टारगेट कर रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हम बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हो और उन्होंने हमें पकड़ा हो और हमें पासपोर्ट दिखा के पूरा वेरिफिकेशन करा रहा हो। उन लोगों ने ये सारी चीज को देखते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारी चर्बी कम हो गई होगी। मैंने उन लोगों से ये कहा था, उसके बावजूद भी जब मेरे यहाँ से लोग गए, डीजल स्कॉलर गए थे मेरे डिपार्टमेंट से मुझे लेने के लिए और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर आए थे, मैंने कहा मेरी चर्बी कम हुई है या ना हुई है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कसम खाता हूँ सारी जिंदगी सैल्यूट मरवाऊंगा, क्योंकि स्टेट सर्विस के अंदर रहोगे आप, क्योंकि मैं एक अलीग हूँ। अलीग होने के नाते मैं किसी कसम खाता हूँ, चाहे पॉलिटिशियन बनूं या सिविल सर्वेंट बनूं, लेकिन आप स्टेट सर्विस के अंदर रहोगे, इतनी जल्दी प्रमोट होगे कहीं नहीं जाओगे। मैं नहीं हूँगा तो मुझ जैसा कोई अलीग होगा जो कि तुम सैल्यूट मरवाएगा। गुजारिश करना चाहूंगा, आज जो ये आंदोलन ने एक बड़ा रूप लिया है, क्योंकि ये 28 मार्च की पहली शुरुआत मुझसे हुई थी, अगर वाइस चांसलर, मैंने 4 अप्रैल को वाइस चांसलर को इसका पूरा टिकट में पूरा इंसिडेंट किया था, लेकिन वाइस चांसलर 4 अप्रैल से लेकर 2 मई तक कोई भी जवाब नहीं दिया। अब ये बड़े लेवल पर हमारी स्टूडेंट यूनियन पर और स्टूडेंट के लोगों पर हमला होता है, तो ये वाइस चांसलर की वजह से ही होता है, क्योंकि वाइस चांसलर ने कोई जवाब नहीं दिया जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मैंने ये कहा था कैलिगम मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इन लोगों ने नाम बदनाम करने की कोशिश की है, और दूसरा यहाँ के तलबा को और अलीगढ़ कम्युनिटी को और अलीगढ़ लोगों को पूरा कहा है, आपने इन लोगों ने डिफेमेशन किया है, डिफेमेशन के तहत इन पर केस बनता है और इनका ट्रांसफर नहीं, इन लोगों का मैं सस्पेंशन चाहता हूँ, इट इज माई डिमांड, मैं इन लोगों का सस्पेंशन चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि कोई अलीग अगर आज के बाद बाहर जाए तो उसके साथ इस तरीके का कोई इंसिडेंट ना हो, बल्कि इन लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए ये पढ़ने वाला तलबा है और इसके साथ हम अच्छे से बिहेव करें, और ये सस्पेंशन जो होंगे इन पुलिस वालों के, उसी से इन लोगों को सीख मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, आई नीड योर सपोर्ट, आई डिमांडेड देयर सस्पेंशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल टू लिसन टू।